एमसीबी जिला के चिरमिरी से कोरबा लोकसभा के सांसद ज्योत्सना शरणदास महंत ने बताया कि हमने लोकसभा जीत के बाद पहला दौरा चिरमिरी का किया है और चिरमिरी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर यहां बताया है कि हमें और भी युद्ध स्तर पर खड़े रहना है। आगे महापौर का चुनाव होगा, नगरीय निकाय का चुनाव होगा, हम सबको मिलकर एक साथ लड़ना है और जीतना है। जीतने के बाद अभी शपथ नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले मैं अपनी जितनी विधानसभाओं में यहाँ पढ़ती हैं सभी विधानसभाओं का दौरा कर रही हूँ, आठों विधानसभाओं का कर रही हूँ। अभी ये मेरी तीसरी विधानसभा है जहाँ मैं दौरा कर रही हूँ, तो आभार व्यक्त कर रही हूँ कि हमारे एक एक कांग्रेस के सिपाही ने इस जीत में जो भाग लिया है, उनकी मेहनत से उन्होंने जो ये जीत हासिल की है, ये उन्हीं को समर्पित करके और उन्हीं से आभार और उनको धन्यवाद दे। कोरबा लोकसभा में जिस प्रकार की जीत हुई है, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की, बाकी जगह पर किस प्रकार सीटें नहीं आई, कारण क्या रहा? ये देखिए, ये तो आत्मचिंतन होगा, मनन होगा, देखेंगे क्यों नहीं आई है। ये राष्ट्रीय स्तर के नेता और हमारे जो बड़े लोग हैं वो सब इसको देखेंगे कि कहाँ हम लोग से चूक हुई। और वैसे तो चुनाव में हर जीत लगी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, शासन उनका है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि उनकी भी कमी रही हो, हम में भी कोई कमी रही हो, इस कारण हो सकता है। ये तो आत्मचिंतन करेंगे, मनन करेंगे, हम लोग तब पता कर सकते हैं कि क्यों हम लोग में हार गए। पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हुआ, कुछ कहना चाहेंगे उस विषय? अभी पता चला कि दो ट्रेन भिड़ गई हैं, अब उसमें कितना नुकसान हुआ अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, पर मैंने सुना है कि अभी अभी ये हुआ है और बहुत खेद व्यक्त करती हूँ मैं, क्योंकि इसमें हादसे में कई लोग की मृत्यु हुई होगी, उन सभी को मैं नमन करती हूँ, लेकिन ऐसे हादसे रोकना चाहिए।